आपको इको स्पोर्ट्स मतलब क्या बोलूं, दाम सही नहीं लग रहा है, इतना खूबसूरत कार है, सही नहीं लग रहा है तो इको स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ मानना पड़ेगा बस, जो सच है सच है। 265 में मैं भी मतलब मुझे ये गाड़ी सेल होगा तो 265 में 14 का इको स्पोर्ट्स मुझे नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, इसको हम देंगे आज 270,000 में, 270,000 में दे देंगे। 15 का गाड़ी मिलता है दादा, देखिए 17 का लास्ट का गाड़ी, 27 लास्ट तक टैक्स, 270,000 में, 270 में दोस्तों। मैं 249 के ऊपर लूंगा तो कस्टमर को बोल ही दूंगा इसको फोन कर लीजिए। अच्छा देखिए आप भी बोल दीजिए, कोई बंदा 240 अभिजीत भैया 249 के ऊपर मांगेगा। दोस्तों दो तीन धमाकेदार क्लिप मैंने पहले ही आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपको ये पता चले कि आज मैं कहां से शूट कर रहा हूं, लेकिन यकीन के साथ कह रहा हूं आज आपको तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि कहां से शूट कर रहा हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज मैं कलकत्ता से तकरीबन 50 किलोमीटर डिस्टेंस में आके ये वीडियो बना रहा हूँ खास तौर पे आपके लिए। और क्यों बना रहा हूँ इसका भी पीछे रीजन है। रीजन ये है, काफ़ी सारे कमेंट आता है हम लोगों के पास जो दादा खूब बहुत कम रेंज की कार दिखाइए लेकिन कार अच्छी होनी चाहिए जो मैं खुद के लिए या फिर फैमिली के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो इसीलिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कम रेंज में कार ढूंढ रहे हैं और खास तौर पे खुद के लिए या फिर बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए या फिर फैमिली के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आज मैं ज़्यादा कार तो नहीं दिखाऊंगा, चुन चुन के आपको मैं 10 कार दिखाऊंगा, यानी कि 10 कार्स दिखाऊंगा जो 10 कार्स देखने का बाद आपको बेहद पसंद आएगी। और नंबर 2 कार का बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, कितना किलोमीटर चली है, टैक्स कहाँ तक है, कलर ओरिजिनल है कि नहीं, टायर का कैसा कंडीशन है, अंदर में क्या है, बाहर में क्या है, आप मान लो फाइनेंस में कार ढूंढ रहे हो आपके लिए फाइनेंस फैसिलिटी है कि नहीं। दोस्तों हमें मालूम है कि आप में से कई सारे दोस्त ऐसा है जो बंगाल की बाहर से हमें देख रहे हो, आपके लिए एनओसी फैसिलिटी है कि नहीं। एनओसी फैसिलिटी तो नॉर्मली हर डीलर में होती है, लेकिन कितना दिन में? एक्चुअली जब भी कोई कार खरीदने के लिए हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हमारा मन में बहुत सारे सवाल आती है। आज बहुत सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो का माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देर न करते हुए आज हम जहां आए हैं यहां का जो अथॉरिटी है उनका साथ आपका डायरेक्टली बात करा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं दयाल कृष्ण, आप देख रहे हैं इंडिया ट्यूब, राइट टाइम राइट चॉइस राइट इन्फॉर्मेशन का साथ आज हम आ गया है बाग मोड़ का एबीआर कार केयर में। और एबीआर कार केयर का आज का इस खूबसूरत वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभिद नमस्कार। नमस्ते दादा। अरे कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों देखिए पहले जिम करते हैं क्या? नहीं नहीं, अभी जिम छोड़ा हुआ है, बहुत बिजी हूँ अभी, इसीलिए मतलब बहुत दिन बाद आपके चैनल में मेरा हम लोग का वीडियो आ रहा है। बात सही है। तो हम लोग का और एक बिजनेस आप लोग के कृपा से चालू हुआ है। कौन सा बिजनेस है बताइए तो? हम लोग का एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, 2-3 महीना हुआ है, इसी कारण टाइम ज्यादा नहीं दे पा रहा था बिजनेस में, इसी कारण तो आप भी जानते हो यूट्यूब में नहीं मतलब आ नहीं पा रहा था। दोस्तों सब्जेक्ट शुरू करने से पहले एक बात बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रखिए दादा का फोन नंबर, अगर कभी भी कसरापड़ा का बागमोड़ में आइएगा तो इनका बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, एक बार कम से कम फैमिली लेके विजिट कीजिएगा, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। खैर दादा यहाँ का लोकेशन थोड़ा, चलिए यहाँ का लोकेशन है, ये काचावाड़ा बागमोड़ बोल के जगह है, ये आप ट्रेन से आएंगे तो कलकत्ता से आपको नियर बाई आपको काचावाड़ा स्टेशन मिल जाएगी, स्टेशन से आपको बाई रोड आपको आना पड़ेगा, ऑटो पकड़ लीजिएगा, 10 रुपए का ऑटो मिलेगा जी जी। आप पूरा बागमोड़ एकदम ऑन मतलब रोड के ऊपर ही हम लोग, कितना टाइम लगता है ऑटो में? 5 से 7 मिनट लगता है, 5 से 7 मिनट, 2-3 किलोमीटर का फर्क है स्टेशन से। और आप उधर से आएंगे हावड़ा से आएंगे तो हम लोग का दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से भी सामने होगा, आप गंगा पार होके भी आ सकते हो या आप उधर से गाड़ी लेके भी आ सकते हो। क्या बात क्या बात दादा, आज तो काफी सारे फैमिली कार देख पा रहा हूँ। देखिए सर एक्चुअल में क्या है, मेरे पास बहुत सेगमेंट का गाड़ी पहले तो हम लोग रखते थे, अभी एक्चुअल में ये 2-3 महीने से बहुत सारा रिक्वायरमेंट ऐसा आया आ रहा है कि 1-2 लाख के अंदर आप गाड़ी दिखाइए, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर मांग रहा है, क्योंकि बजट फ्रेंडली भी हो रहा है जी और गाड़ी भी
आप लोग के कृपा से, आप लोग का व्यूअर के कृपा से हम लोग दे पा रहे हैं 2 लाख के अंदर। ओवर बजट भी नहीं है और गाड़ी भी बहुत बढ़िया हम लोग दे पा रहे हैं, इसी कारण अभी सब मिड रेंज का ही गाड़ी है सब। ठीक है, और इसमें हम लोग का जो हम लोग मतलब प्रोवाइड करते हैं वो वारंटी है। अच्छा। जो पहले से ही हम लोग का था, आपको भी पता है कि 1 साल का हम लोग का इंजन में वारंटी रहता है, गियर बॉक्स में वारंटी रहता है, और लाइफ टाइम सर्विसिंग हम लोग फ्री देते हैं। एकदम लाइफ टाइम सर्विसिंग कलकत्ता में कोई डीलर आज तक नहीं ये नहीं प्रोवाइड करता है। नहीं, बात सही है। ठीक है, तो लाइफ टाइम सर्विसिंग, देखिए ये बहुत सारा आप लोग का व्यूअर का कमेंट भी हम लोग देखते हैं कि लाइफ टाइम सर्विसिंग आपसे कैसे लूँ, कैसे लूँ। हाँ, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर बाहर का भी है, बाहर का भी आपका 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है वो एक सर्विसिंग लेके लेने के लिए इतना दूर आएगा। देखिए सब बेनिफिट तो मैं खुद से नहीं दे पाऊंगा, नहीं, वो आपको जुगाड़ करना होगा, आना पड़ेगा। मैं ऑप्शन रख रहा हूँ कि मेरे पास आइए, मैं ये प्रोवाइड करके दूंगा, लाइफ टाइम फ्री सर्विसिंग। ठीक बात, आना तो आपको पड़ेगा सर, पड़ेगा। हाँ, ये कैसे मैं कर दूं। ठीक है, तो वही है, तो इसके चलिए शुरू करते हैं। और फाइनेंस फैसिलिटी है? फाइनेंस तो है ही दादा, फाइनेंस तो मेरा जन्म हुआ है, मेरा ऑफिस का जन्म हुआ, उस टाइम से फाइनेंस हम लोग करते हैं। ठीक है, और अभी एक हम लोग का चालू हुआ है पैन इंडिया बेस, हम लोग का फाइनेंस चालू हो चुका है। तो ये आपका पैन इंडिया में सिर्फ आप जिसको भी गाड़ी लेना है और 70-75 ऐसा 50,000 के नीचे हम लोग डाउन पेमेंट रखते नहीं है। ये ध्यान देना है कि बहुत कम गाड़ी में हम लोग 25-30 हज़ार में भी लोन कर सकते हैं, मतलब 99% भी लोन कर सकते हैं। अभी RBI का बहुत सारा रूल्स आ चुका है, कोई भी बंदा बोलेगा वो मुंह से बोल देता है, बाद में देखा जाता है 2-3 लाख उसका डाउन पेमेंट हो जा रहा है। ठीक, ठीक, तो यही है हम लोग का इधर, तो वेस्ट बंगाल के अंदर तो हम लोग बहुत सारा बैंक के साथ 10-12 बैंक हम लोग के टाइप है, हम लोग 4-5 दिन में लोन प्रोवाइड करके हम लोग गाड़ी डिलीवर कर देते हैं। और बाहर का कोई बंदा गाड़ी लेना चाहता है तो सिर्फ उसका एक तो पहले तो गाड़ी पसंद करके आपको टोकन करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको तुरंत 5-10 मिनट के अंदर मैं बोल दूंगा कि आपका लोन होगा कि नहीं, लेकिन हो जाएगा। अच्छा होगा, सिविल खराब नहीं होगा तो हो जाएगा आपका लोन। एनओसी फैसिलिटी तो एनओसी तो है ही, नेम ट्रांसफर भी। आपको बाहर का कोई बंदे को गाड़ी नेम ट्रांसफर कलकत्ता में चाहिए वो भी करके दूंगा जी, जी। और किसी को एनओसी के लिए बाहर लेके जाना है उसको एनओसी भी 15 दिन के अंदर प्रोवाइड करके दूंगा। क्या बात है, तो चलिए शुरू किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए, चलिए कट। आइए शुरुआत करते हैं फैंटास्टिक मिड रेंज कार से। दादा बताइए। चलिए सर, ये गाड़ी लेके हम लोग शुरू करते हैं आज। हाँ, ये आपका नोकी i10 है जी, जी। आपका स्पोर्ट्स मॉडल है, कप्पा इंजन के साथ, कप्पा नोकी लास्ट की गाड़ी है जी, तकरीबन नवंबर दिसंबर की गाड़ी है। हाँ, और आपका 24 एंड तक इसका दिया हुआ है, आपका टैक्स दिया हुआ है, इंश्योरेंस बम्पर टू बम्पर कंप्रिहेंसिव किया हुआ है। वेरी गुड। देखिए बहुत सारा मिड रेंज का गाड़ी में ना क्या होता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है मैक्सिमम, क्योंकि इतना पुराना गाड़ी है, इसमें क्या कस्टमर बहुत अच्छे से यूज किया, इसमें अभी तक इसका बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस वैलिड है जी। और इसका खास बात है ये टॉप एंड वेरिएंट है। अच्छा, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है। हाँ, गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन में है। हाँ, सर। हाँ, ठीक है। हाँ, गाड़ी लगभग ओरिजिनल पेंट में है। और इसका प्राइस आज देखिए, अभी जो मतलब गेम हो रहा है, ये गेम चेंजिंग मतलब जो हो रहा है कि प्राइस के ऊपर है और गाड़ी क्या क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। तो गाड़ी मिड रेंज का, इसका माइलेज आपको दे देगा 15-16 के ऊपर माइलेज दे देगा। इसका प्राइस हम लोग जो रखेंगे कलकत्ता से तकरीबन 20-30 हज़ार कम रखेंगे। ग्रेट ग्रेट। कलकत्ता में ये गाड़ी तकरीबन पकड़ के चली, ये गाड़ी 1,60,000-65,000 में सेल हो रहा है जी, जी, जरूर। चलिए इसमें हम लोग कर देंगे आपका, आज के लिए मैं कर दूंगा 1,35,000 में। 1,35,000, 1,35,000 के अंदर ये गाड़ी आ जाएगा। चलिए 1,30,000 में कर दूंगा। 1,30,000, चलिए 1,25,000 में कर दूंगा। 1,25,000, 1,25,000 में कोई भी बंदा दे देगा आपको स्पोर्ट्स मॉडल। मतलब हम लोग भी आप लोग का वीडियो फॉलो करते हैं, उसमें मिलता नहीं है दादा, नहीं नहीं, कोई भी कस्टमर मतलब 8 की गाड़ी मिलेगी आपको 1,30,000-35,000 में। अब मैं आपको तकरीबन 10 की गाड़ी दे दूंगा, ये गाड़ी मैं आज दे दूंगा आपको 1,25,000 में, सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 में। गाड़ी अपना बनाई है, नेम ट्रांसफर मैंडेटरी है हम लोग के इधर, नेम ट्रांसफर करना जरूरी है, जरूरी है। दोस्तों देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ जो नंबर है ये दादा का है, फटाफट कॉल कीजिए। और ये घर की कार है दोस्तों,
फैमिली मेंटेन किया हुआ कार है, मैंने अंदर बाहर ओरिजिनल 40,000 चली हुई है, ओरिजिनल 40,000 चली हुई है, ये आप सुन रहे हैं ओरिजिनल 40,000। आपको नौ की गाड़ी में भी सर्विस हिस्ट्री चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा, कोई बंदा प्रोवाइड नहीं करेगा आपको, नौ का गाड़ी में सर्विस हिस्ट्री नहीं प्रोवाइड करेगा आपको, प्रोवाइड करके दूंगा। और पूछने का तो कुछ रहा नहीं, बस फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, एकदम फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। देखिए जितना भी बताया हर एक यूएसपी हिट है, सुपर हिट यूएसपी है। तो चलिए नेक्स्ट कार दिखाते हैं, ये और एक जबरदस्त कार SX Sport। चलिए देखिए ये गाड़ी सर मिलता नहीं है, नहीं मिलता है ठीक है। अभी ये गाड़ी एक्चुअल में जो प्राइस में मैं दे दूंगा ना आपको, आपको नैनो मिलेगी सर। और प्राइस से भी अभिजीत दा बड़ी बात ये है कि अभी भी जिसका पास है वो छोड़ने के लिए छोड़ता नहीं है, ठीक है छोड़ता नहीं है गाड़ी। और गाड़ी बहुत ही मतलब ये गाड़ी आपका आपका सीडन मॉडल में है, और इसका एक खासियत है ये गाड़ी आपका ZX ही मॉडल है, यानी कि टॉप एंड वर्जन, एकदम टॉप एंड वेरिएंट है ठीक है। ये गाड़ी भी फर्स्ट ओनर में है, फर्स्ट ओनर 8 की लास्ट की गाड़ी है, ग्रेट वेरी गुड, फर्स्ट ओनर में है, तकरीबन 52 अराउंड चली हुई है गाड़ी। जी जी जी। गाड़ी एलॉय व्हील मिल जाएगी आपको, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल मिल जाएगी, एयरबैग में एयरबैग तकरीबन सब कुछ मिल जाएगी, छोटा मोटा काम है फिटिंग वगैरह का वो मैं करके दे दूंगा आपको। क्या प्राइस में दे दूं, एक सीडन मॉडल का क्या प्राइस में दे दूं, इसका टैक्स कहां तक बोले? टैक्स 8 का गाड़ी 23 का एंड तक है इसका टैक्स, ठीक है जी। इसमें एक धमाका दे दूं, 1,00,000 का नीचे दे दूं? हां 1,00,000 का नीचे देना पड़ेगा। कितना 95 में दे दूं? आप बताइए, आप बोलिए सर, आप तो बहुत सारे डीलर विजिट करते हो आपसे। मैं ZX ही है, फर्स्ट ओनर वाली है। जब भी कोई बार्गेनिंग करता हूं दोस्तों मैं हार जाता हूं, इसीलिए मैं खुद नहीं बताऊंगा। नहीं आप बोलिए, बताना पड़ेगा। आप बोलिए कितने में दे दूं, 90 में दे दूं उसको? और थोड़ा देखिए अगर कुछ होता है तो 88 में दे दूं, 86 में दे दूं? अरे क्या बोल रहा है, देखिए 86 सर, 8 का वैगनर नहीं मिलेगी आपको। बात सही है, 8 का वैगनर नहीं मिलेगी। जो ही बंदा गाड़ी आपका मेरा एज का आपका एज का बंदा अभी एक स्पेसियस लुक चाहिए गाड़ी में, और ये 1.5 लीटर है, वरना से ज्यादा अच्छा ही है, पावरफुल इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है इसमें ठीक है। और मैं आपका मारुति का ब्रांड है, इसमें पार्ट्स अवेलेबिलिटी ऑब्सोलेट हो चुका है लेकिन पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत है। आपका एयरबैग दूंगा, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल दूंगा, म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट दूंगा, एलॉय व्हील दूंगा, ABS दूंगा, EBD दूंगा, ESP दूंगा, टायर का कंडीशन भी तो बढ़िया है दादा, कंडीशन भी बहुत है, बहुत बढ़िया है। आप देख चारों चक्का, वो चक्का दिखाइए ना, कोई भी बंदा देख लेगा ना मतलब टायर मतलब मानना पड़ेगा, बस जो सच है वो सच है ठीक है। बॉडी में टुक टक काम है, वो छोटा मोटा देखिए जो प्राइस में मैं दे पाऊंगा ना गाड़ी उसमें हम लोग का मार्जिन 2,000-3,000-4,000 मैक्सिमम 5,000 हम लोग रख के गाड़ी सेल आउट कर रहे हैं अभी, क्योंकि कस्टमर लोग का बहुत सा मतलब मेरा गाड़ी तो अभी लोकल बंदे से ज्यादा गाड़ी बाहर जाता बाहर है, जाते हैं हाँ। क्योंकि बाहर SX Sport का ये 8 का गाड़ी सेल होता है 1,80,000, बहुत डिमांड, 1,80,000-1,90,000 में सेल होता है मालूम, बहुत डिमांड। वो गाड़ी इधर से लेके जाके नेम ट्रांसफर करवा लेगा, एक टैक्स में कितना टैक्स आएगा, 30,000 टैक्स आएगा इसका, कितने में हुआ 2,000-3,000 का खर्चा है, और क्या चाहिए गाड़ी को? एक सीडन गाड़ी मिल जाएगी आपको 1,20,000-1,25,000 में, और क्या चाहिए 1,20,000-1,25,000 में आपको? बात सही है दोस्तों, देखिए और कुछ कहेंगे नहीं, बस स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, दादा से बात कीजिए और इस कार जल्दी से गाड़ी लेके घर जाइए, एक निश्चिंत हो गए, पेट्रोल गाड़ी है, कोई बैक कंप्रेसर का काम भी नहीं है, स्मूथ इंजन है, स्मूथ इंजन है। चलिए नेक्स्ट कार दिखाते हैं, चलिए नेक्स्ट गाड़ी हम लोग दिखाते हैं, और एक डिमांडिंग गाड़ी है, डिमांडिंग तकरीबन इसका 16-17 तो आपको माइलेज मिल ही जाएगी। ये भी टॉप एंड वेरिएंट है, एलॉय व्हील दिखा दीजिएगा, ये भी टॉप एंड वेरिएंट स्पोर्ट्स मॉडल में है, ये भी 10 की गाड़ी है, i20 25 एंड तक टैक्स दिया हुआ है इसमें ठीक है। इसमें आपको इसमें भी एयरबैग मिल जाएगी आपको, इसमें वही दिख रहा हूँ, इसमें भी आपको एयरबैग मिल जाएगी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगी, एसी मिल जाएगी, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मिरर मिल जाएगी, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल मिल जाएगी, एलॉय व्हील मिल जाएगी, ESP मिल जाएगी, सब कुछ है, ABS मिल जाएगी, फुल्ली लोडेड कार है दोस्तों। सर क्या के बारे में, क्या का गाड़ी 25 तक टैक्स, जी जी कलकत्ता में सेल हो रहा है 1,90,000 185 में। देखिए गाड़ी का ऊपर का लुक मत देखिए, बात सही है, यूज्ड कल ले रहे हो आप लोग, आप नया गाड़ी ले रहे हो तो आप ऊपर भी देखिए और अंदर भी देखिए, देखिए लेकिन हम यूज्ड कर जब भी कोई बंदा लेके जिसको पता होता है ना, वो इंजन देखता है, सस्पेंशन देखता है, गाड़ी में छोटा मोटा स्क्रैचेस लगेगा, अरे जो बंदा गाड़ी लिया है वो तो गाड़ी तो बिस्तर के ऊपर लेके सुआ नहीं
सोने के लिए नहीं है। हाँ, सही है। तो गाड़ी लेके तो चलाया बंदे ने, तो गाड़ी में स्क्रैच ले, स्क्रैच का फर्क नहीं है, काम करके दूंगा। क्या प्राइस में दे दू? 185 में दे दू? और थोड़ा बताइए, एक प्राइस बताइए, धमाकेदार बताइए। चलिए 1,70,000। देखिए 15,000 कम, चलिए 15,000 कम, बस 180 एक साथ बोला, 15,000 कम, 25 तक टैक्स, फर्स्ट ओनर की गाड़ी, फर्स्ट ओनर की कार है। देखिए कार, देखिए पहले सर्विस हिस्ट्री चाहिए, मैं प्रोवाइड करके दूंगा। और क्या चाहिए? देखिए 10 का गाड़ी, 11 का गाड़ी में कौन सा बंदा बोलेगा सर्विस हिस्ट्री के? मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरा भरोसा है गाड़ी के ऊपर। देखिए स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है ये सर का है, कॉल घुमाइए और इस खूबसूरत कार को घर लेके जाइए। चलिए नेक्स्ट कार दिखाते हैं। आप में से काफी सारे दोस्त ऐसे थे कि कमेंट बार बार रेगुलर बेस में कमेंट कर रहे थे कि कुछ कम रेंज की कार दिखाइए। अभिजीत दा, कार तो काफी सॉलिड है, आप इसका बारे में डिटेल बताइए। देखिए ये अभी तक का वेस्ट बंगाल का बहुत हाई डिमांडिंग कार है। हाँ, वैगनर है। हाँ, 10 की गाड़ी है, 25 तक टैक्स दिया हुआ है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, इसमें भी वादा करता हूँ एक मीटर टेम्पर्ड नहीं हुआ है। अच्छा, 40-42,000 चली हुई है, ओरिजिनल चली हुई है, घर की एक घर की तो हो गई। हाँ, सर 40-42,000 चली हुई है तो और क्या है, और क्या है, बात सही है। उसमें आपका एक डेंट है, मैं करके दूंगा, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, 10 की गाड़ी, 25 टैक्स, लेडी का गाड़ी था। अच्छा, वो उसका एज हो चुका है इसीलिए सेल कर दिया। इसमें दे दूं सर, 10 की गाड़ी, 25 तक, और ये टॉप एंड वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट VXI मॉडल है। ओके, एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ मिल जाएगी, सब कुछ है। और गाड़ी का टायर पूरा नया है। अब दिखा दीजिएगा गाड़ी का पूरा टायर, चारों चक्का, पांचों चक्का नया है गाड़ी, एकदम मनना पड़ेगा। ठीक है, गाड़ी साफ सुथरा है गाड़ी। देखिए अभी जो जो गाड़ी हम लोग लेके आए हैं, सभी गाड़ी, जो जो बंदा गाड़ी मतलब सीखने के लिए लेने वाला है उसको भी गाड़ी दूंगा, सीखने के बाद 5 साल यूज कर पाएंगे ऐसा भी गाड़ी दूंगा। जी जी, तो 10 का गाड़ी कितने में दे दू? 1.5 लाख में दे दू? देखिए प्राइस तो होनी चाहिए ऐसा। 10 का गाड़ी, 25 टैक्स, VXI, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर, चारों चक्का नया, न्यू, चारों चक्का नया है, 1,45,000 में दे दू? और थोड़ा देखिए, अगर 1,142 में दे दू? अरे क्या बात, 138 में दे दू? अरे बाप रे बाप, 1,35,000 में दे दू? ये देखिए कमाल, देखिए आज 10 का गाड़ी, 10 का गाड़ी सर, VXI, 1,35,000 में दे दू? 1,32,000 में दे दू? 1,30,000 में दे दू? क्या बोल रहे हैं, चलिए 1,30,000 में, VXI मॉडल, 10 का 25 एंड तक गाड़ी का टैक्स दिया हुआ है, CFB किया हुआ है, लेके जाइए 1,30,000 में। क्या बात है, और कुछ कहने का नहीं है दोस्तों, स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, फटाफट कॉल घुमाइए इससे पहले कि चाबी किसी का हाथ में चला जाए, आप लेके घर जाइए। चलिए नेक्स्ट कार दिखाते हैं। एक तो ग्रैंड आइटन है, काफी डिमांड है, और व्हाइट कलर में है, वो भी व्हाइट कलर में। देखिए कार, देखिए तो पहले, उसका बाद बात कर रहे हैं। और एक धमाका देता हूं। हां जी बताइए, डीजल में है? अच्छा ये डीजल है, माइलेज किंग है, 25-26 के नीचे माइलेज मिल जाएगी तो फ्री में दे दूंगा गाड़ी। बस क्या बात है, मतलब 20 के नीचे, 22-23 माइलेज मिलेगी तो फ्री में दूंगा गाड़ी, 24 के ऊपर माइलेज देगा गाड़ी। गाड़ी फर्स्ट ओनर में है, 14 की एंड की गाड़ी है। अरे वाह, वेरी गुड, 24 लास्ट का इसका टैक्स है, टैक्स है जी, इंश्योरेंस भी शायद किया हुआ है जी, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, वेरी गुड। जिसी को किसी को रेंट में चलाना है वो भी ले सकता है क्योंकि माइलेज बहुत ज्यादा है जी। किसी को मतलब पर्सनल यूज के लिए चलाना है वो भी ले सकता है, इसमें गाड़ी लोन हो जाएगी, ये गाड़ी में हम लोग लोन कर देंगे आपका, इंडिया के बाहर भी कर देंगे, इंडिया के अंदर भी कर देंगे। ओके, सॉरी इंडिया के बाहर नहीं, वेस्ट बंगाल के बाहर कर देंगे। ठीक है, और आपका वेस्ट बंगाल के अंदर तो हो ही जाएगा गाड़ी। ठीक है, इसका प्राइस 14 की गाड़ी, 24 तक 3 लाख के ऊपर तो है ही दादा, नॉर्मली 3 लाख के ऊपर, वो भी डीजल। वो भी क्या है जानते हो? पुश बटन स्टार्ट है। अच्छा ये पुश बटन स्टार्ट है, देखिए टॉप एंड वेरिएंट है, एक्स्ट्रा मॉडल है, एक्स्ट्रा मॉडल है। क्या बात, वेरी गुड, टॉप एंड वेरिएंट, पुश बटन स्टार्ट, एयरबैग के साथ, ग्रेट बॉस, क्या दू, सभी टॉप एंड वेरिएंट गाड़ी आज दिखा रहा हूं, सभी टॉप एंड वेरिएंट गाड़ी दिखा रहा हूं। 14 की गाड़ी, 24 तक टैक्स, फर्स्ट ओनर की गाड़ी, 299 में क्लोज करते हैं इसको, 299।
चलिए एक बार में होता नहीं है, 295 में क्लोज करते हैं। ओके चलिए 2,90,000 में क्लोज करूं। अरे क्या बोल रहा है, देखिए और क्या 285 में क्लोज करूं, कौन देगा दादा, कौन जिंदा आदमी है बॉस, कौन देगा? ग्रैंड आइटन वैगनर देगा 14 का। हाँ 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 आपको ग्रैंड आइटन दूंगा, वो भी एस्टा वेरिएंट, एस्टा वेरिएंट है, फर्स्ट ओनर डीजल में, और कलर देखिए व्हाइट, व्हाइट कलर में है, मानना पड़ेगा एकदम। 285,000 में, हाँ चलिए 2,80,000 में दिया, बस मिस मत कीजिए। और क्या दूसर, नहीं नहीं ठीक 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 ठीक, आपका वीडियो आएगा 10-15 मिनट में सेल होना चाहिए। हाँ, बात बस सही है एकदम। 2,80,000 में आप अपना बनाइए गाड़ी की 24, 2,80,000 14 की 24 डीजल कार, और एस्टा वेरिएंट है बस, टॉप एंड वर्सन, मैंने कार के अंदर बाहर दोनों दिखा दिया, अच्छा तो जरूर लग रहा है। फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है ये दादा का है, फटाफट कॉल घुमाइए, कार को अपना बनाइए। चलिए नेक्स्ट कार दिखाते हैं, और एक आइटन खूबसूरत आइटन है दादा, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन रखे है, बताइए डिटेल। आइटन का ना ये रेड कलर बहुत डिमांडिंग में है। हाँ, वो है? तो पहले से शुरुआत से। चलिए 14 की गाड़ी दिखाया, एक 13 की गाड़ी दिखा, 13 की गाड़ी, अच्छा 13 की गाड़ी है, 23 लास्ट तक इसका टैग्स दिया हुआ है, मैग्ना ऑप्शनल में है। ये इसमें आपको एसी पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, बहुत सारा कुछ मिल जाएगी इसमें। ये गाड़ी कितने, 2,20,000 में दे दूं? अच्छा देखिए प्राइस, प्राइस में आ चुका हूँ, मतलब देखिए आप लोग तो आके क्वालिटी देखेंगे। हाँ जरूर, तो अभी आप प्राइस का बात मैं करता हूँ, और भी गाड़ी है दिखाना है, वीडियो बढ़ा करके फायदा नहीं है। 13 का गाड़ी 23 टैक्स, टैक्स लोन करके दूंगा, जो प्राइस में दूंगा ना पूरा लोन करके दूंगा। चलिए चैलेंज कर दिया, पूरा 100% सिविल अच्छा होगा पूरा। हाँ, जो प्राइस में अच्छा दूंगा, सुनिए ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि जो प्राइस में हम लोग देते हैं उससे 30,000-40,000 बढ़ा के डीलर सेल करता है, जो 30,000-40,000 की उसको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तो ये गाड़ी में जो प्राइस में दूंगा पूरा लोन करके दूंगा, पूरा गाड़ी वेरी गुड, 5,000 बुकिंग करेंगे, और भी पैसा नहीं चाहिए, और कुछ पैसा नहीं चाहिए। वाह, क्योंकि बुकिंग जरूरी है, कोई भी लोन करने के पहले बुकिंग जरूरी है, जरूरी है। 2,20,000 में दे दूं? अच्छा 2,10,000 में दे दूं? अरे क्या बोल रहा है, आप बोलिए सर, आप बोलिए कितने में दे दूं? देखिए नहीं नहीं मैं तो बार बार हार जाता हूं, तो इसीलिए मैं 2,00,000 में दिया। चलिए 2,00,000 में दिया इसको, बार्गेनिंग में कभी 195 में दे रहा हूँ। अरे क्या बात है, देखिए 195, चलिए इसको 1,90,000 में क्लोज करते हैं। चलिए 190 स्टैंडर्ड प्राइस है, एकदम स्टैंडर्ड है ना। हाँ, मतलब कौन सा एरिया के लिए स्टैंडर्ड है? कलकत्ता के लिए तो ठीक है दादा, कलकत्ता के लिए ठीक है, मतलब उससे ऊपर है नीचे है? नहीं लगभग तो उससे ऊपर ही जाता है, इससे ऊपर ही जाता है। चलिए 1,75,000 में दिया इसको। अरे 1,75,000, 1,75,000 में 13 की गाड़ी दिया मैंने, ठीक है। और क्या कहेंगे आप, 1,75,000 में ये गाड़ी को क्लोज करता हूँ आज। 13 की गाड़ी है, अच्छा कोई 10 का गाड़ी दिखा दीजिए, देख के दिखाई, 11 का गाड़ी दिखा दीजिए 1,75,000 में, देख के दिखाई, 12 का गाड़ी दिखा दीजिए 1,75,000 में, देख के दिखाई। क्या बात, क्या बात, और कुछ कहने का नहीं है दोस्तों, देखिए और क्या कहूं, 75,000 में क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, वो भी फुल फाइनेंस बोल रहा है, फुल फाइनेंस, फुल जस्ट 5,001 रुपीज बुकिंग कीजिए, और बाकी का पूरा के पूरा अच्छा सिविल आपका अच्छा होना चाहिए। हाँ, फाइनेंस कर देंगे, यानी कि आपका 0 डाउन पेमेंट लगभग लग रहा है, आप कार लेके जाइए, स्क्रीन पर नंबर है, कॉल कीजिए और प्रोसेसिंग शुरू कीजिए। चलिए नेक्स्ट कार दिखाएं दोस्तों, आइए और एक डिमांडिंग कार दिखाया जा रहा है आपको, ये है इको, काफी डिमांडिंग कार है अभिजीत दा, ये कार काफी सारे कॉमेंट भी आता है गाँव से खासतौर पर, इसको डिमांडिंग तो आज बनाएंगे। अच्छा एक चैलेंज करता हूँ ये गाड़ी लेके, अच्छा जो क्वालिटी तो आप लोग देख ही लेंगे। हाँ, हाँ, वो बात तो सही, इसका है। पूरा गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है। अच्छा ओके, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है। हाँ, लेकिन ओरिजिनल में वो अलग बात है, स्क्रैच हो ही सकता है, ओडोमीटर टेम्पर्ड नहीं हुआ है जी, कस्टमर पर्सनल यूज के लिए चलाया है गाड़ी को। अच्छा, कोई रेंट में चला हुआ नहीं है, नहीं कोई रेंट में चला हुआ गाड़ी, पूरा गाड़ी ओरिजिनल पेंट में रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता। 17 की दिसंबर की गाड़ी है, यानी कि 18 पकड़ सकता है अगर दिसंबर, 17 की एंड की कार है। 27 तक टैक्स पेड करके दूंगा, ग्रेट, 27 तक टैक्स, फर्स्ट ओनर कार, ये आप सुन रहे हैं ना, एक चैलेंज रखता हूँ। अच्छा, जो प्राइस में दूंगा उससे कोई बंदा 5,000, चलिए 2,000 कम में कोई गाड़ी मिल जाएगा, मिल जाएगा उसको, ये गाड़ी उसको फ्री में दूंगा, वो गाड़ी मिल जाएगा तो मुझे मनी रिसीट दिखाएगा और ऐसा क्वालिटी भी दिखाएगा, ऐसा क्वालिटी दिखाएगा गाड़ी का, गाड़ी फ्री में दूंगा। ओपन चैलेंज कैमरा का सामने पूरा इंडिया के, इंडिया के डीलर लोग को, जो प्राइस में आज दूंगा गाड़ी,
ओपन चैलेंज हो रहा है दोस्तों कैमरा का सामने देखिए। 17 का गाड़ी 27 लास्ट का मतलब 18 पकड़ के चली है, 27 लास्ट तक टैग फर्स्ट ओनर गाड़ी। जी जी, कोई एक्सीडेंटल रिपोर्ट नहीं है। नहीं, नहीं। सर्विस हिस्ट्री के साथ दूंगा। 42,000 अराउंड चली हुई है गाड़ी। कार का बड़े में मैं खुद अपना स्टाफ को पूछिए, मैं खुद बता रहा था कार का क्वालिटी देख के मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। क्वालिटी देने के बाद भी कस्टमर प्राइस लेके बात करते हैं। बात करते हैं। प्राइस पूरा इंडिया में खोजिए दादा, कोई बंदा आके बोलेगा दादा ये इस आप जो प्राइस बोले हो उससे 2000 कम में गाड़ी लिया। ऑथेंटिकेट मुझे पेपर दिखाएगा, मुझे ये गाड़ी फ्री में चाहिए तो फ्री में दूंगा गाड़ी। अरे बहुत जिद्दी आदमी है बॉस, अगर मुंह से बता दिया तो बस वो करके रखूंगा दादा। आप कोर्ट पेपर साइन कर लीजिएगा मेरे से। नहीं नहीं नहीं, मालूम है हमें, मैं लेटर हैंड में लिख के दूं इसको। सर हम जितना भी यूट्यूबर्स है आप सबको पता है, हम सबको पता है आपका सर, सर। लेकिन आपके चैनल में ही मैं चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर से काम हुआ है, लेकिन मुझे अभी आज लगा जो प्राइस मैं दूंगा कोई नहीं, चैलेंजिंग होनी चाहिए। पूरा गाड़ी पूरा खुटी कोई भी जगह एक्सीडेंटल दिखा देगा वो भी फ्री में होगा गाड़ी। नहीं, पूरा ओरिजिनल पेंट में है दोस्तों, मानना पड़ेगा जो सच है वो तो सच। 278 में दे दूं, 276 में दे दूं, 76 में क्या बोल रहा है देखिए। लेकिन नेम ट्रांसफर मास्ट है, हम लोग मैंडेटरी है। इसको हम देंगे आज 270,000 में। 270,000 में दे देंगे। 15 का गाड़ी मिलता है दादा, देखिए 17 का लास्ट का गाड़ी, 27 लास्ट तक टैक्स, 270,000 में। 270 में दोस्तों, स्क्रीन पर नंबर है, अभी जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको कॉल कीजिए दादा। कोई बंदा 265 में दिखा देगा गाड़ी खरीदा 17 का गाड़ी, ये गाड़ी फ्री में, वो भी बोल दीजिए। कोई भी ऐसा गाड़ी, ऐसा गाड़ी 265 में कोई बंदा ले लेगा 17 का 27 टैक्स, 17 इंट का गाड़ी होना चाहिए, पूरा गाड़ी ओरिजिनल पेंट में होना चाहिए, टायर वायर तो बिल्कुल न्यू है दादा, नॉन एक्सीडेंटल होना चाहिए। इतना होने से 265 में वो ले आए गाड़ी को दिखा देगा उसको, ये इको फ्री में दूंगा, दूंगा ही दूंगा, आपको रख के दूंगा, आपको बुला के दूंगा। और कुछ कहेंगे नहीं दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर नंबर है, अभी बात कीजिए और इस कार को घर लेके जाइए। आप अगर पर्सनल यूज करना चाहते हैं वो भी सही है, या फिर आप समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ, वो भी सही है। चलिए नेक्स्ट कार, कोई बार्गेनिंग मत होगा, 268 में दूंगा। चलिए 268 में, और कुछ कहने का नहीं है, देखिए दोस्तों और क्या बोले। चलिए नेक्स्ट कार दिखा रहे, ये हमें इसकी कलर देख रहे हैं आप दोस्तों, कुछ कार ऐसी होती है विजिदा कलर से ही बिक जाती है। हाँ दादा, मैं ना बहुत कुछ देख के गाड़ी उठाता हूँ दादा। एमएच का दो कलर बहुत डिमांड है, ये कलर और एक व्हाइट कलर। व्हाइट कलर, व्हाइट मुझे मिली नहीं है। और ये मिला तो छोड़ा नहीं मैंने। नहीं छोड़ा है, नहीं बात सही है एकदम। 13 की गाड़ी है, अच्छा SBMT है। ओके, ये भी 23 का लास्ट तक टैक्स दिया जी, हुआ है। इसमें भी लोन कर दूंगा मैं, तकरीबन 70-75% लोन कर दूंगा गाड़ी में। अच्छा ठीक है, ये गाड़ी आपका डीजल में है। डीजल है, 24-25 माइलेज दे दी गई आपको। हाँ, गाड़ी हमें इसका माइलेज सुपर हिट, 3 लाख में क्लोज करते हैं गाड़ी। 3 लाख में, 3 लाख में दोस्तों, तो क्या 3 लाख में क्लोज करता हूँ 13 का होंडा एमएज। आपको डिजायर मिलेगी नहीं? नहीं नहीं नहीं, 3 लाख में मिलेगी नहीं? नहीं। चलिए इसको 2,90,000 में क्लोज करता हूँ। 2,90,000 290 में, तो 2,90,000 में 13 की गाड़ी डिजायर मिलेगी नहीं? जो कंपैरिजन इसका होता है तो डिजायर से ही होता है, तो डिजायर 290 में मिलेगी नहीं 13 की। 3 लाख के ऊपर जाना पड़ेगा आपको, 3,20,30,40 में जाना पड़ेगा। 2,80,000 में क्लोज करते हैं। चलिए 2,80,000 में, 2,80,000 में आप बोलिए ना सर, 2,80,000 में कौन देगा सर? ठीक है सर, आप बता रहे हैं ठीक है। हाँ, और इसका डीजल है? डीजल है सर। कलर ओरिजिनल है? तकरीबन ओरिजिनल में है सर गाड़ी, क्योंकि देखिए हम लोग ओरिजिनल है ना, क्योंकि हम लोग देखिए सर्टिफाइड है गाड़ी, हम तो वही ये गाड़ी एक्चुअल में। देखिए क्या होता है ना, हम लोग का बहुत सारा गाड़ी ऐसा होता है कि बाहर रहता है। हाँ, तो उसमें कस्टमर को जब डिलीवर करते हैं हम लोग पॉलिश वगैरह करके रखता है, देते हैं, क्योंकि मेरा गैरेज छोटा है इसीलिए बाहर ही रखना पड़ता है। बहुत सारा मतलब मैला मैला जमा होता है गाड़ी में, और कुछ नहीं है। मैं 249 के ऊपर लूंगा तो कस्टमर को बोल ही दूंगा इसको फोन कर लीजिए। अच्छा देखिए, आप भी बोल दीजिए, कोई बंदा 240 अभिजीत भैया 249 के ऊपर मांगेगा तो मुझे फोन कीजिए, डायरेक्ट मैं बात करूंगा। देखिए चलिए आपके लिए 245 में कर किया इसको। वाओ ग्रेट ग्रेट बॉस ग्रेट। 245 में वैगनर मिलेगी आपको? नहीं नहीं, 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 नहीं।
और इस कंडीशन में तो बिल्कुल मिलना मुश्किल नहीं, मुश्किल है। सर ये वैगनर नहीं है, एमएस है। वैगनर का नया का प्राइस कितना है? वैगनर का नया का प्राइस 6-6.5 लाख रुपए, इसका नया का प्राइस 9 लाख रुपए है। गाड़ी में पेट्रोल का साउंड देता है दादा, कोई बैक कंप्रेशन नहीं है। होंडा का इंजन है, होंडा का सर्टिफाइड है, होंडा का इंजन लेकर तो बात करना ही नहीं है। क्या दूं इसको और क्या बोले दोस्तों, और क्या दूं? मेरा मेरा पापा बोला है ऐसे बिजनेस करने से तेरा फैमिली नहीं चलेगा। मैंने वो चलाइए आप उसे, मुझे बिजनेस चलाने दीजिए। वो आपके ऊपर जितना दिन है आप चलाइए, ठीक है, मुझे बिजनेस करने दीजिए। 1-2 हजार कस्टमर भरा रहेगा ऑफिस में, अच्छा लगता है दादा, अच्छा लगता है। ठीक है, एकदम यही है और कुछ नहीं। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर नंबर है, आप पहले फोन किया तो कार भी आप ही का। चलिए नेक्स्ट कार दिखा, ये और एक दमदार कार दिखा रहा है आपको। फोर्ड इको स्पोर्ट, हाथी है, हाथी है, ये हाथी है। एसयूवी में ये हाथी है सर। हाँ हाँ हाँ, 14 की लास्ट की गाड़ी है जी, फर्स्ट ओनर में है, ओके, डीजल में है। अच्छा, इको स्पोर्ट पेट्रोल में माइलेज बहुत घटिया है, बहुत कम है। मैं तो पर्सनल है, मैं उठाता नहीं हूँ, नहीं, क्योंकि कस्टमर आके, हम लोग के इधर कस्टमर आके, दादा माइलेज कितना देगा? हाँ, पहले झूठ नहीं बोल पाऊंगा, नहीं उठाता भी नहीं हूँ। नहीं, 14 की गाड़ी 24-25 के ऊपर माइलेज देगा जी जी, नीचे देगा तो वापस ले लूंगा गाड़ी। हाँ, मानना पड़ेगा। 14 की एंड की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर में है, डीजल है, 52,000 अराउंड चली हुई है गाड़ी। चलिए 290 में करते है इसको, 290 बोल रहे हैं, 285 में करते है इसको, 285 कोई भी डीलर इससे एक पैसा कम कर देगा तो गाड़ी मैं दे दूंगा उसको। नहीं, 280 में काफी जस्टिफाइड प्राइस है, और 14 की 275 खत्म नहीं हुआ दादा, खत्म नहीं हुआ। का ऊपर वट्रम देखिए, 275 में मिलेगी दादा गाड़ी? नहीं, नहीं, नहीं। 14 की कोई भी मारुति का गाड़ी पकड़ के चलिए, मिलेगी डिजायर, मिलेगी आपको 14 की, बता रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको डिजायर छोड़िए, आपका वैगनर मिलेगी आपको, सैलरियो मिलेगी आपको, i10 मिलेगी आपको, i20 मिलेगी आपको। नहीं, कौन सा गाड़ी, एसयूवी मैं दे रहा हूँ, 270,000 एकदम। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया दोस्तों, कौन देगा 14 का इको स्पोर्ट्स 270 में? देखिए कौन देगा, नहीं नहीं कोई दे देगा ना, 265,000 अरे बाप रे बाप, 265 में देखिए, और इतना अच्छा मौका। आप भी बोलिए इसमें नहीं लेंगे तो, नहीं नहीं, और नहीं, आप भी बोलिए, तब इको स्पोर्ट मत लीजिए आप, अब मत लीजिए 265 में आपको इको स्पोर्ट्स, मतलब क्या बोलू, दाम सही नहीं लग रहा है, इतना खूबसूरत कार है, सही नहीं लग रहा है तो इको स्पोर्ट छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ मानना पड़ेगा बस, जो सच है सच है। 265 में मैं भी, मतलब मुझे ये गाड़ी सेल होगा तो 265 में 14 का इको स्पोर्ट मुझे नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, ये बात सही है, मुझे नहीं मिली, फर्स्ट ओनर। हां, नहीं नहीं मालूम है, मतलब कोई कार देखा ना अंदर से देखा, मुझे मुझे कोई कोई बंदा फोन करके ऐसे भी बोलता है कि दादा सही प्राइस बोला आपने, वो 265 होगा या 365 होगा? मैंने भी तो ऑन कैमरा इसीलिए रिपीट किया आपको, जो आप सही बोल रहे हैं, 265 है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, कोई सेकंड ओनर नहीं है, कोई थर्ड ओनर नहीं है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, 265 में गाड़ी दिया, इससे 64,999 नहीं करूंगा। नहीं, बात सही है, 265 वो भी 14 की 24 डीजल कार, इतना खूबसूरत, और इको स्पोर्ट के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस 265 में मुझे, मेरे से एक्स्ट्रा कुछ मत पूछिएगा, मुमकिन भी नहीं, कुछ मांगिएगा भी मत, नहीं दे दिया। देखिए स्क्रीन पर नंबर है, अभी बात कीजिए और इस कार को घर लेके जाइए। चलिए नेक्स्ट कार आपके लिए इंतजार कर रही है, i10 का तो आज भंडारा है मेरे, ठीक है, अच्छा अच्छा कलेक्शन, i10 ना, अभी i10 का 10 का गाड़ी स्पोर्ट्स मॉडल, 38,000 अराउंड चली हुई है, एडवोकेट का गाड़ी है, घर में इसका डॉक्टर भी है, ठीक है, दोनों ही बंदा चलाते हैं शायद, चलाता था, गाड़ी 1,40,000 में क्लोज करते हैं, स्पोर्ट्स मॉडल, 10 का गाड़ी, 1,35,000 चलिए कोई काम नहीं करूंगा गाड़ी में, ऐसे गाड़ी प्रोवाइड करूंगा, 1,25,000 में क्लोज किया दोस्तों। देखिए 1,25,000 में, देखिए एकदम प्राइस जो है एकदम, मतलब क्या बोलूं, जस्टिफाइड बोलूं तो भी गलत है, उससे भी कम,
प्राइस में आपको दिया जा रहा है, वो भी घर की कार, कार का अंदर बाहर मैंने कवर किया है। अच्छा तो जरूर लग रहा है, फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है ये दादा का है, एक बार कॉल कीजिए, बात कीजिए और इस कार को घर लेके जाइए। चलिए नेक्स्ट कार दिखाएं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। आप सब ने देखा क्या क्या कार दादा ने दिखाया, कैसे कैसे कंडीशन है, कितना किलोमीटर रन किया है, कार का अंदर में क्या है, बाहर में क्या है, कलर ओरिजिनल है कि नहीं, टायर का कंडीशन कैसा है। आप मान लो फाइनेंस में कार ढूंढ रहे हो, आपके लिए फाइनेंस फैसिलिटी है कि नहीं, बाहर से देख रहे हो आपके लिए एनओसी फैसिलिटी है कि नहीं। एक्चुअली जब भी कोई कार खरीदने के लिए हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हमारा मन में बहुत सारे सवाल आती है। आज बहुत सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो का माध्यम से दादा ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया। अच्छा तो जरूर लग रहा है, फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है ये शहर का ही है, आप फटाफट कॉल कीजिए, दादा से बात कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम, नंबर, लोकेशन, एड्रेस सब कुछ दिया हुआ रहेगा, आप अपना टाइम का हिसाब से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। सर व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज है तो बता दीजिए। सर व्यूअर्स के लिए मैसेज तो यही दूंगा कि खुश रहिए, फैमिली के साथ खुश रहिए, और गाड़ी लेना है तो मेरे पास, सिर्फ मेरे पास आएंगे ऐसा मत सोचिए, बहुत सारा डीलर ऐसा है, बहुत अच्छा गाड़ी दादा भी दिखाते हैं अपने चैनल में कि बहुत अच्छा अच्छे गाड़ी, सिर्फ प्राइस का बात है, प्राइस जज कर लीजिएगा, और जितना जैसा जैसा आप लोग इतना साल में प्यार दे रहे हो ये चैनल को, इंडिया ट्यूब को, इंडिया ट्यूब ऐसे ही बड़ा होते रहे, आप लोग का आशीर्वाद रहे, इसीलिए इसी कारण में मैं भी ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप ये चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और लाइक बटन, लाइक तो कर ही दीजिए इसको, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारा नोटिफिकेशन दादा लोग का आता है कि आप लोग वो आपके पास मिल जाए उसको, ठीक है। और हम लोग का भी एक चैनल है ABR कार केयर बोल के, आप फेसबुक में विजिट कर पाएंगे, दादा तो हफ्ते भर में एक बार आएगा ही हम लोग के पास, दादा का चैनल विजिट कीजिए कोई भी। और देखिए एक वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसीलिए हम लोग डिटेलिंग में जाता नहीं है, तो आपको डिटेलिंग में कोई भी क्वेरी है आप चैनल विजिट कीजिए, पेज विजिट कीजिए, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप विजिट कीजिए, पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा उसमें। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।